व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं चंद्रयान 3 को मिला क्रैश हुए लूना 5 का मलबा, और देखते हैं कि और क्या कुछ पता लगता है। और बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनके चैनल पर आप लेटेस्ट अपडेट देख सकते हो न्यूज रिलेटेड, चंद्रयान 3 रिलेटेड। तो वीडियो में देखते हैं क्या कुछ पता लगता है। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक 1 2 3। इस तरीके से क्रैश हुआ है। चंद्रयान के सामने पस्त हुआ रूस का लूना 25। रूस को लगा बड़ा झटका, लूना 25 हुआ बुरी तरह फेल। भारत और रूस की स्पेस रेस का हुआ अंत। चंद्रयान को हराने वाला लूना 25 चांद पर औंधे मुंह गिरा। पीएम मोदी ने रूस के इस नुकसान पर राष्ट्रपति पुतिन से की फोन पर बात। अब भारत को चांद का दक्षिणी ध्रुव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जब से रूस लूना 25 मिशन को लॉन्च कर चुका था, तभी से इसकी तुलना भारत के चंद्रयान से की जा रही थी। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने यह दावा किया था कि उनका यह अंतरिक्षयान भारत के चंद्रयान से एक या दो दिन पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगा। इसी के चलते दोनों देशों के बीच एक स्पेस रेस शुरू हो गई थी। हालांकि रूस ने भारत को इस रेस में घसीटने की काफी कोशिश की, लेकिन हमारे इसरो वैज्ञानिकों ने अपने पहले से बनाए हुए प्लान पर चट्टान की तरह टिकते हुए ये दिखा दिया कि वो कितने काबिल हैं, और उन्होंने रेस को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, रूस का लूना 25 मिशन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से फेल हो गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रूस और उसके वैज्ञानिकों को अपने मुंह की खानी पड़ी है। जबकि भारत का चंद्रयान अभी भी अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि रॉसकॉस्मोस, जो खुद को दुनिया के सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी के रूप में मानता है, वो इस छोटे से मिशन में फेल कैसे हो गया? और रूस के जिस लूना 25 को हद से ज्यादा एडवांस बताया गया था, वो चंद्रयान के सामने पस्त क्यों हो गया? और सबसे जरूरी, हमारा चंद्रयान इस समय किस साल में है और ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आपने वो खरगोश और कछुए की रेस वाली कहानी सुनी है? हाँ, वही जिसमें खरगोश अपनी रफ्तार के घमंड में चूर होकर रेस के बीच में ही सो जाता है, और कछुआ धीमी रफ्तार से ही सही पर लगातार आगे बढ़ते हुए इस रेस को जीत जाता है। रूस और भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल रूस इस रेस में खुद को खरगोश समझ रहा था और अपनी तेज रफ्तार से अपने घमंड में ये 10 दिन के अंदर ही चांद पर लैंड करने का दावा कर रहा था। लेकिन रूस का हाल भी वही हुआ जो कहानी में खरगोश का हुआ। रूस का लूना 25 अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया, जबकि भारत का चंद्रयान धीमी रफ्तार से ही सही पर चांद की तरफ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे और रूस इस मिशन में फेल कैसे हो गया। चलिए आपको ये सारा मामला शुरुआत से समझाते हैं। बात दरअसल आज से करीब 40 दिन पुरानी है, जब 14 जुलाई 2023 के दिन भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारा चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करेगा, और ऐसा करने में इसको करीब करीब 40 दिन का समय लग जाएगा। यानी हमारे वैज्ञानिकों ने कोई डींगे नहीं हाकी, हम इतनी जल्दी चांद पर पहुंच जाएंगे या इतनी आसानी से इस मिशन को पूरा करेंगे। उन्होंने अपने पैर जमीन पर रखते हुए साफ साफ कहा कि हमारा रॉकेट LVM3M4 जितना कैपेबल है, उसके हिसाब से हम चांद पर लैंड करने में 40 से 42 दिन का समय लगाएंगे। इस मिशन के लॉन्च होने पर पूरा देश बहुत खुश था, क्योंकि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा था। इससे पहले कि किसी भी देश की स्पेस एजेंसी ने यह कीर्तिमान नहीं बनाया था। चंद्रयान को अपने सफर पर निकले हुए करीब 25 दिन बीत चुके थे, तभी अचानक रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने अपना लूनर मिशन लूना 25 लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। उनका इस तरह अचानक से मिशन लॉन्च करना सभी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रूस ने अपना आखिरी लूनर मिशन लूना 24 आज से 47 साल पहले 1976 में लॉन्च किया। और लोगों की हैरानी तब बढ़ गई जब रॉसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि उनका यह अंतरिक्षयान चंद्रयान से एक या दो दिन पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा।
यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रूस का लूना 25 मिशन 11 अगस्त को यानी चंद्रयान 3 से 28 दिन बाद लॉन्च हुआ था। फिर भी रूसी वैज्ञानिकों का ऐसा कहना कि ये चंद्रयान से 2 दिन पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे ये चंद्रयान को नीचा दिखाना चाहते हो। और ये साफ जाहिर था कि रॉसकॉस्मोस ने ये मिशन सिर्फ इसरो को पीछे करने के लिए लॉन्च किया, ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों की लिस्ट में भारत की जगह रूस का नाम सबसे ऊपर रहे। मिशन लॉन्च करते समय रॉसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने बताया कि लूना 25 लॉन्च होने के सिर्फ 5 दिन के अंदर यानी 16 अगस्त को लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और इसके बाद 5 से 6 दिन के अंदर ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर चुका होगा। अब इतना सब होने पर इसरो वैज्ञानिक अगर चाहते तो वो भी इस रेस में कूद कर चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट बदल सकते थे और तेजी से आगे बढ़ते हुए विक्रम लैंडर को लूना 25 से पहले चांद की सतह पर उतार सकते थे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए इस मिशन का बस मतलब कीर्तिमान बनाना ही नहीं था, बल्कि हमारे वैज्ञानिक वास्तव में मानवता के भविष्य के लिए कुछ बेहतर खोजना चाहते थे। अब रॉसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने जैसा बताया था लूना 25 5 दिन के अंदर लूनर ऑर्बिट में पहुंच गया, लेकिन 20 अगस्त को सुबह 9 से 10 बजे के बीच प्री लैंडिंग ऑर्बिट में एंटर करने के दौरान इस किसी तकनीकी खराबी के चलते ये चांद की सतह पर सीधा क्रैश हो गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ऑर्बिट चेंज करने के दौरान लूना 25 ने अपना संतुलन खो दिया और गोल गोल घूमते हुए ये तेजी से नीचे की तरफ बढ़ गया। रॉसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने इसे कंट्रोल करने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका इससे संपर्क टूट गया और ये पूरी तरह से चांद की सतह पर जाकर क्रैश हो गया। रूस की स्पेस एजेंसी अभी इस मामले की जांच कर रही है, यानी इस हादसे की असली वजह हमें कुछ समय बाद ही पता चल पाएगी। तो इस तरह से जो रेस रॉसकॉस्मोस ने शुरू की थी वो खुद ही इससे बाहर हो गया, और क्योंकि अब चांद पर पहुंचने के इस मुकाबले में भारत के अलावा कोई और कॉम्पिटिटर नहीं बचा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेस समाप्त हो चुकी है। अब भारत के चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो हमारा विक्रम लैंडर इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर की डी बूस्टिंग के दोनों चरण भी पूरे किए जा चुके हैं और अपनी लैंडिंग साइट को खोजकर ये बहुत ही सहजता से उसकी तरफ बढ़ रहा है। लूना 25 के फेल होने के बाद इसरो ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है और 23 अगस्त 2023 के दिन शाम 6:04 पर यह सुरक्षित रूप से लैंड कर जाएगा, यानी भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बनने जा रहा है और ये हम सभी के लिए बहुत ज्यादा खुशी की और गर्व की बात है। हालांकि एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी से होने के नाते हमें लूना 25 के फेल होने का काफी दुख भी है, क्योंकि ये चांद पर पूरे एक साल तक रिसर्च करने वाला था और शायद इसमें कई नई खोज होती जो चांद पर जीवन बसाने के क्षेत्र में नए दरवाजे खोलती। लेकिन क्या करें, इस पूरे मामले को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि रॉसकॉस्मोस को चांद पर पहुंचने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी और अपनी इसी जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। आपको बता दें कि लूना 25 का बजट हमारे चंद्रयान 3 के बजट 615 करोड़ रुपए से लगभग 3 गुना ज्यादा था और पहले ही क्राइसिस से जूझ रहे रूस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। वैसे आपको क्या लगता है, लूना 25 मिशन क्या अपनी जल्दबाजी की वजह से फेल हुआ है या इसका रीजन कुछ और ही है? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से हमें जरूर शेयर कीजिएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई इन्होंने, और सबसे पहले तो मुझे ये है कि दूर दूर तक कोई वो नहीं थी न्यूज की, ये लोग भी उसी के क्योंकि देख चंद्रयान 3 का बहुत पहले से पता था सबको कि इस डेट को लॉन्च होगा और उसके बाद फिर इतने दिन में पहुंचेगा, और दूर दूर तक किसी भी स्पेस एजेंसी का ये नहीं था कि हम भी हमारा भी शेड्यूल्ड है इस टाइम पर हम भी भेज रहे हैं मून पे या कुछ भी, किसी का दूर दूर तक नहीं था। और फिर एकदम से रशिया का आया तो ये थोड़ा चौंकाने वाला था सबके लिए, शॉकिंग था कि भैया एकदम से क्या हुआ कैसे, हाँ। कि कोई प्लान भी हो सकता है, प्लान और रिवील ना किया हो कि एकदम से, पर इतनी सारी तैयारी, नासा का अगले साल जाना अभी से रिवील्ड है यार, हर एक चीज होती है। फिर होड़ हुई और फिर मुझे लगता है जल्दबाजी कहीं ना कहीं हुई है जिसमें प्रॉपर वो नहीं कर पाए। और बाकी ऐसे मिशन में देखो रिस्क तो होती है,
जैसे चंद्रयान टू भी लैंड करते टाइम दिक्कत आ गई थी, तो कुछ कहा नहीं जा सकता मेरे हिसाब से कि जल्दबाजी का नतीजा था या कोई सिस्टम फेलियर था, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर वो टीम कमेटी बैठेगी उसमें पता लगेगा। लेकिन ये चीज़ तो है, रशिया को हुआ है नुकसान नो डाउट, और ये शॉकिंग ही था मेरे लिए भी सबके लिए कि एकदम से न्यूज़ में आ जाना। लेकिन वी प्रे कि चंद्रयान 3 सेफली लैंड करे, बहुत सारी डिस्कवरीज करे और आगे जाके जो जो अंतरिक्ष है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पता लगे मानव हित के लिए, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो अंतरिक्ष में अभी खोजी जानी है और अभी तो शुरुआत ही है। हाँ। और जब एक एक मिशन सक्सेसफुल होगा तो वो कहते हैं ना बूंद बूंद सागर बढ़ता है, वैसे ही हर एक मिशन जब जब सक्सेसफुल होते जाएंगे कुछ नया डिस्कवर होता जाएगा और बाकी बहुत चीज है। और वही वाली बात है, पाकिस्तान वाली बात नहीं है कि जान तो दिखता ही है दूर से, भैया दिखता तो दिखती तो रोटी भी है नेट के ऊपर, खाने को नहीं आती ना, वो हर एक चीज के लिए एफर्ट कर जाते हैं और फिर उसी चीज उसे पता, नहीं तो पहले कोई कहता ये तो पेट पे तो कुछ लगा हुआ है, भाई जब तो उसको तोड़ेंगे नहीं खाएंगे तब तक नहीं पता लगेगा ना कि क्या चीज थी क्या नहीं। हर एक चीज उसी तरीके से है कि अब अंतरिक्ष में खोज करेंगे तो बहुत कुछ पता लगेगा और क्या पता कहीं पर वो हमारी तरह ही लाइफ हो, लोग रह रहे हो हर एक तरीके से। बाकी आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू बताना जरूर। बाकी चंद्रयान 3 से रिलेटेड अपडेट्स या फिर न्यूज रिलेटेड अपडेट्स आप देख सकते हैं चैनल पर, लिंक मिल जाएगा आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।